ट्रेन के डिब्बे जैसा बन गया स्कूल, वॉल पेंटिंग के माध्यम से स्कूल को कराया रंग रोगीत, फेसबुक पर देखकर बना दिया स्कूल का माहौल। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, हमें क्या रोकेंगे ये जमाने वाले, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जी हाँ, हरदोई के शाहबाद विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय परियल के प्रधानाध्यापक कृष्ण गोविंद सिंह ने अपने जुनून से ऐसी ही एक मिसाल पेश की है। बिना विभाग की मदद से उन्होंने मॉडल विद्यालय बनाया है, जिसमें छात्र अपने आप ही चले आते हैं और पढ़ाई करते हैं। हरदोई जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर इस प्राथमिक विद्यालय की इमारत काफ़ी पुरानी है। प्रधानाध्यापक कृष्ण गोविंद सिंह ने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक शानदार तस्वीर विद्यालय की देखी तो अपने विद्यालय को आधुनिक बनाने का संकल्प कर लिया। उन्होंने वही फोटो अपने साथी अध्यापकों को दिखाई और सहयोग की बात कही, जिसके बाद इस तस्वीर को विद्यालय पर उकेर दिया गया, सहयोगी अध्यापकों के सहयोग से पूरा कर दिया गया। इस विद्यालय पहुंचते ही विद्यालय भवन अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। पूरे विद्यालय भवन पर पेंट के माध्यम से बनवाई गई चित्रकारी से बच्चों का मन स्कूल में लगता है। इस स्कूल को एक ट्रेन के डिब्बे की तरह बनाया गया है, जिसे देखकर यह एहसास होता है कि स्कूल नहीं है, डिब्बे में बैठे हैं बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ाई करते नजर आते हैं। अध्यापकों का कहना है कि अगर ऐसे ही सभी विद्यालयों को बच्चे अपने आप ही स्कूल पढ़ने जाएंगे तो यहाँ क्रिएटिव माहौल है, जिसमें स्कूल से दूर भागने के बजाय बच्चे खुद स्कूल जाना पसंद करने लगेंगे। के साथ साथ में फेसबुक पे देखा था और अच्छे परिवेश में बच्चों को ये लगे कि हाँ ये अच्छा परिवेश है, यहाँ अच्छी तरीके से साफ सुथरी है, उसे अट्रैक्शन लगे कि हाँ हाँ हम भी ट्रेन डिब्बे में बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को फ़ायदा है, क्योंकि जब बच्चे ऐसा अच्छा माहौल मतलब क्रिएटिव माहौल देखते हैं अपने आसपास तो वो खुद ही उनको बुलाना नहीं पड़ता, गांव से अपने आप आते हैं बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए। जी, इससे जो है बच्चों पे काफ़ी अच्छा असर पड़ा है, बच्चे जो है पहले से बहुत ज़्यादा अब आने लगे हैं स्कूल, बीच में नहीं आते थे तो अब आने लगे हैं। ज्ञात हो रहा है कि कुछ शिक्षकों द्वारा छात्रों को और अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत हो सकता है कि यहाँ के शिक्षकों के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। प्रयास बहुत ही सराहनीय है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे दिशा निर्देशों के अनुरूप हो और उसके अनुसार ही चले। मैं स्वयं इसमें देखूँगा कि क्या स्थिति है, उसके बाद आगे काम।